साहिल पिट के जाएगा तू यहाँ से क्या? कोई बात नहीं सर, मैं कम से कम गलत नहीं सर ना, गलत नहीं सर किसी का बोल। हेलो, यहाँ पे तुम बात करोगे फोन पे अब? नहीं बोल तो मैं मीटिंग में ले रहा हूँ ना यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट मुझे पेपर लाओ। तमीज नाम की चीज ही नहीं है, बंदा यहाँ पे बता रहा कुछ, वहां पे तुम फोन पे लगे पड़े हो। अभी अगर कंपनी में दिक्कत है, अगर कंपनी आपको इतने टाइम से दे रही है, आपके सैलरी इंक्रीमेंट भी कर रही है, हर चीज कर रही है, तो अगर आज कंपनी को दिक्कत है, अगर आज कंपनी को दिक्कत है तो क्या आप साथ नहीं दे सकते? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल THF अनकट एंड व्लॉग्स। मैं हूं मनीष स्तोगी। और गाइस, आज पता क्या है, आज है 7th अप्रैल और लास्ट मंथ सभी हमारे जितने भी एम्प्लॉयज थे सबकी सैलरी बढ़ाई गई थी, तो आज उनकी सैलरी ट्रांसफर होनी है। तो मैं आज उन पे करने वाला हूं बहुत तगड़ा प्रैंक, देखते क्या होता है आगे। अटेंशन एवरीवन, कान पे हेडफोन था मेरे, बोलती सुनाई नहीं आएगा तुम्हारे को? हाँ आवाज कम थी। अच्छा यही बंदा यहाँ पे काम करता है, इसे सुनाई नहीं आया अभी तक। चलो सर, यहाँ पे खड़े हो जाता। सब यहाँ पे सामने। सब आए आज साहिल? तू थोड़ा आगे आ जा, तेरी हाइट तो छोटी है ना, दिख नहीं जाती। हाँ कैसे हो सर? इतने प्यार से बोलोगे? ओके, आज सबको पता है आज क्या है? 7 तारीख। कोई स्पेशल दिन? वो तो हर महीने आती है, आज क्या स्पेशल है? जोर से बोलो। लास्ट मंथ बात हुई थी ना इंक्रीमेंट का, तो बढ़ के आएगी। अच्छा शायद क्या आएगी, शायद हाँ मतलब बढ़ के आएगी, तो शाम को आएगी। हाँ तो फिर सबको कंग्रेचुलेशन, क्लैप्स तो होनी चाहिए यार। पार्टी है क्या? नहीं नहीं पार्टी नहीं है, थोड़े दुखद समाचार हैं तुम सबके लोगों के लिए। आज ही आएगी हैं? आज ही आएगी? नहीं नहीं आज ही आएगी, बल्कि आज तुम्हारी सैलरी जो है 4 घंटे पहले रिलीज कर दी गई है। जो सैलरी शाम को 7 बजे पहुंचती थी वो शाम के 4 बजे आ जाएगी या 3 बजे आ जाएगी। 3 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। कुछ चेंज हुआ है अभी, तुमको सबको बताया कि हालत क्या हो रहे हैं अभी बाहर के, ठीक है? कोरोना पेशेंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कोविड और ज्यादा फैल रहा है, तो चांसेस पूरे पूरे हैं लॉकडाउन लगने के। है ना? और तुम सबको पता है कि भैया देखो, आप तो YouTube चलाते ही हो, हमारे सबका, सबके पास में एक्सेस है, यहाँ पे सब लॉगिन करते हैं और अपलोड करते हैं वीडियोस को, तो सबको पता है कि रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है हमारे YouTube पे। प्रॉफिट बहुत सारा है हमारे को। थोड़ा जोर से बोलो यार, थोड़ा कम, कम ही कम है ना, तो आगे जाकर और क्या होगा? घटेगा। और सैलरीज के अकॉर्डिंग तो ये है कि सैलरी तो हमारे को हर महीने डिस्ट्रीब्यूट हमने करनी ही है ना, वो हमारा खर्चा फिक्स है, सैलरी का, रेंट का, हर एक चीज़ का, लेकिन रेवेन्यू घटेगा। तो सैलरी कैसे बढ़ सकती है? सैलरी कैसे बढ़ सकती है तुम लोगों की? नहीं वो तो पहले डिस्कशन हो चुका था ना कि बड़ी मतलब वो अकॉर्डिंगली रेवेन्यू तो सब फ्लक्चुएट होता ही है। आपको पता सैलरीज भी कभी कभार फ्लक्चुएट होती है जब से कोविड आया है। काफी कंपनीज में एम्प्लॉयज को सैलरी ही नहीं मिली। लॉकडाउन में तुम कैसे आ जाओगे? चल ठीक है, तू रुक जाएगा, चल ठीक है, तेरी नहीं होगी, मैं तेरा तेरा ठीक है, चल तेरी बढ़ जाएगी। बाकी सब रुक जाएंगे? चलो ठीक है, जो रुक सकते हो इधर आ जाए, जो नहीं रुक सकते वहां पे चले जाए।
तो कौन कौन रुकने वाला है? ये तुम तीन, और तुम तीन नहीं रुक सकते। अच्छा देखो ऐसा है भाई कि सैलरी तुम्हारी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन द थिंग इज़ आपकी जो सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, मैं बता रहा हूँ, जो सैलरी डिसाइडेड थी वो भी नहीं हो रही है, और इंक्रीमेंट तो कहीं से कहीं तक हुआ ही नहीं है। इसका हम लोग बाद में सोचेंगे। देखो लॉकडाउन लगेगा कन्फर्म है, ठीक है, और ये लॉकडाउन मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीने 3 महीने भी हो सकता है, किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा तो हमने अभी डिसीजन लिए हैं उनको चेंज कर देंगे। अगर वो 1 महीने तक रहा तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, ना क्रिएटर आ पाएंगे, ना ही हमारे एडिटर्स कैमरामैन आ पाएंगे। तो इसलिए जिनकी सैलरी 10,000 से लेके 20,000 के बीच में है, उनकी सैलरी को 30% कम कर दिया गया है। नहीं, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आपको आज 7,000 रुपए ही ट्रांसफर होंगे विदाउट इंक्रीमेंट। विदाउट इंक्रीमेंट नहीं, मतलब जो पुरानी सैलरी, हाँ पुरानी सैलरी, जैसे मान लो किसी 10,000 रुपए है तो उसको 10 भी नहीं मिल रहा, उसको 7,000 मिलेंगे, और जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है उसका 50% कट ऑफ है, यानी कि सीधा आधी सैलरी मिलेगी। जब तक हमारा रेवेन्यू नॉर्मल नहीं हो जाता या फिर लॉकडाउन वाला सीन नहीं हो जाता, तब तक तो चीजें स्टेबल है ना, तो आगे फर्दर चीज है। कहाँ स्टेबल है बता? मैं बोल रहा हूँ ऊपर फ्लक्चुएशन होगा, नीचे फ्लक्चुएशन होगा, बट ये फॉर द कमिंग मंथ अगर हम देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति, तो नेक्स्ट मंथ की बात आएगी ना। इस महीने का क्या इशू है? इस महीने हम लॉस में हैं। नहीं लॉस में है, दैट इज ओके, बट ये है कि कम से कम अभी वो लॉकडाउन वाली स्थिति तो नहीं आई है ना। लॉकडाउन भाई ये लगे कन्फर्म है ना ये चीज, तो अभी के लिए डिसीजन ही अभी से ले लिया गया है कि आपकी सैलरी 10 से लेके 20 में जितनी जिसकी है उसकी 30% कम कर दी गई है, जिसकी 20 से ऊपर उसकी 50% कम कर दी गई है, ठीक है। कैसे काम करेंगे? रह के यहीं पे इनकी फिर नहीं होगी काम। सर जो भी होगी हमारे पर एक सेकंड नहीं, वो बात तो ठीक है, बट इनकी जो भी सैलरी आएगी तो पिछले मंथ की आएगी ना, वो तो फिर स्टेबल ही आनी चाहिए। नहीं स्टेबल नहीं आएगी। अगर नेक्स्ट मंथ लॉकडाउन नहीं लगता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं आती है तो आपका जो भी पैसा रोका गया आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, लेकिन अगर रोक अगर नहीं होता तो आपको नहीं मिलेगा। इस महीने कहां से बंदा सफर करेगा उसकी, तो मतलब मैनेज करो यार। कहां से मैनेज करना है? वाले सर ईएमआई वाले लगेगी, ईएमआई गाड़ी की खर्चे पेट्रोल का खर्चा वहां से चल जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज, आपके जितने भी कैमरामैन हैं यहां पे उन सबको छुट्टी दे दी गई है परमानेंटली। मतलब आएंगे नहीं जब तक लॉकडाउन भी खुले, तो आपको कोऑपरेट करना है। आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप सभी 6 बंदों को दिन में काम करो, और 2 दिन तुम्हारे रात को जो हमारे कैमरामैन हैं वो तुम्हें कैमरा चलाना सिखाएंगे। उससे आपका काम क्या है कि आप एडिटिंग भी करोगे और आप कैमरा डिपार्टमेंट भी संभालोगे, वीडियोस को रिकॉर्ड भी करोगे। जिसे काम करना है वो कर सकता है, जिसे काम नहीं करना वो नहीं कर सकता है। सर दो दिन में कैमरा कौन सीख जाएगा? मैं 4 घंटे में सीख गया था। आप एक बार सुनो, आपका पोटेंशियल में जमीन आसमान का फर्क है, प्लस दूसरी चीज की अगर वो बंदा काम कर रहा है, चलो एक बार वो रेडी हो गया कि यहाँ रुक के मैं एडिटिंग कर लूंगा 3% कम में कर लूंगा, कोई इशू नहीं, बट एक बात बताओ वो उसमें कैमरा की भी इशू, उसको पता है कि कैमरा की भी सीधी एक्सपायर है? सीख लेगा, आजकल YouTube पे हर एक चीज अवेलेबल है। जब भी बंदा YouTube से सीख के गाना गा सकता है तो वो YouTube से सीख करके कैमरा चलाना क्यों नहीं सीख सकता? इंटरेस्ट जगह है वो कैमरा चलाने में। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी और चीज में इंटरेस्ट करो तो थोड़ी आ जाए। मैं तो भाई ऑलराउंडर, मैं तो करता हूँ। आप करते हो बात लगे, आपका कंडीशन हर इंसान में थोड़ी होनी चाहिए ना? नहीं है तो भाई, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें ये अभी तुम्हें रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो आपका जो सैलरी है, आपका जो काम है, आपको वही मिल जाएगा। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है बिना किसी बकचोदी के। जिसको इस बात में लॉजिक समझ में आ रहा हो वो लॉजिक के हिसाब से सारी बातें लॉजिक है। तो कुछ टाइम की बात है, क्या दिक्कत है?
थोड़ी होता है बंदा अपनी वो प्रोफाइल सर अगर साल भी नहीं जा रहा है 20% कम में मैनेज कर रहा है फिर कैमरा भी सीख रहा है दिक्कत तेरे को ज्यादा हो रही है मेरे ख्याल से अभी मेरी तो थोड़ी है ना तेरी सैलरी 20 से ऊपर है ना 50% कट रही है ना सर हमें भी दिक्कत है इसमें हां कोई दिक्कत है सर कैमरा पे एवरीबॉडी हाइक सर आप सैलरी भी रिड्यूस कर रहे हो और काम और ज्यादा बढ़ा रहे हो नेवर काम और सर दो दिन में कैमरा कौन सीख पाएगा मुश्किल है बहुत ज्यादा ऐसी जब किसी गरीब के घर में दिक्कत आती है घर में खाना नहीं होता तो अगर वो दिन में 3 बार खाना खा रहा है तो वो 1 बार खाना खाने का काम चलाता है पता है किसी को खाने का सीन अलग खाना काम तो हाँ तो वही बोल रहा हूँ भाई तो अभी अगर कंपनी में दिक्कत है अगर कंपनी आपको इतने टाइम से दे रही है आपके सैलरी इंक्रीमेंट भी कर रही है हर चीज कर रही है तो अगर आज कंपनी को दिक्कत है अगर आज कंपनी को दिक्कत है तो क्या आप साथ नहीं दे सकते अपने प्रोफाइल पे प्रॉपर्ली करेंगे 30% या 50% काम नहीं करेगा पर जो हमारे पास कैमरा डिपार्टमेंट तो पहली बात उनको निकालने का कोई मतलब नहीं ठीक है वो जो काम कर रहे हैं उनको भी तो हम 30% से देखा जाए तो उनका भी तो घर जा ही रहा है ना हर महीने मतलब बाहर से मार्केट से 5-10 लाख रुपए उधार लेकर के आऊँ और तुम्हारे को सैलरी देता रहूं अपना मैं ना सोचूं मैं मतलब मैं भूखा मरूं कंपनी के साथ यहां पे हर एक बंदा जो खड़ा होगा वो इस चीज के लिए मैनेज कर सकता है कि आप उसको कम सैलरी दोगे अपना जो काम है वो उतने में कर देगा वो भी करना पड़ेगा नहीं हो पाएगा नोबडी कैन डू दैट सर आरती नहीं उतार रहा हूं मैं इसका मतलब निकलो यहां से उसका कोई काम हो पा रहा हो तो समझ में आती है ठीक यहाँ डिसीजन में से मैं ले रहा हूँ मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है ना पवन सर ना राहुल भाई निकल जाए बेटा मैं बोल रहा हूँ मुझे ये बताओ उसे सुनेंगे मैं सुनेगा तुम ये कहाँ जाएंगे सारे सर एक मिनट सुनो कोई नहीं बात कर रहे हैं ना बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मैं रुक जाओ बात कर ये जाएंगे कहाँ सारे सुन हैं कहाँ जाएंगे घर घर तो जाएंगे क्या करेंगे इतना टाइम कंपनी को इससे देंगे वर्क फ्रॉम होम फिर मैं भाई इसको कर लेगा मैं तो भाई देखो इलॉजिकल बात है एडिटिंग कब होगी शूट कब होगा बताना एडिटर एडिट करेगा शूट करेगा आप वो मैं बताऊंगा आप रोज रात को मुझे कॉल करोगे कल तुम्हारा काम क्या है कल अगर मैं बोलूंगा एडिटिंग करो तो एडिटिंग करोगे अगर कैमरा करना कैमरा करोगे समझ गए दो दिन में सीखना पड़ेगा से सीख तो मत सीखो जाओ यहाँ से यार जाओ क्यों खड़ा है यहाँ पे तू हंसने वाले कोई बात नहीं बोली मैं तेरे को हर्ष जो हंस के निकल रहा है यहाँ से मेरे घर पे हो रहे हैं अच्छा लॉजिक बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारी बात जो भी हो बात अगर कंपनी के साथ इतने टाइम से एम्प्लॉइज दे रहे हैं ना तो फिर वहाँ पे कंपनी को भी एक तरीके से समझना चाहिए इस चीज़ को मुझे जहाँ तक लगता है हर किसी का घर चल रहा है पर चलिए कोई बात नहीं तो यही समझना नहीं समझना चले जाएंगे कैमरा थोड़ी देर में बैठे गए यहाँ पर अपनी वो प्रोफाइल इंसान देखिए दस चीज़ें देखिए सर अभी तो लगा नहीं था लॉकडाउन सिंपली हाँ या ना बोलो करना है काम या नहीं करना है बताओ हाँ ठीक है जाओ 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 निकल सकते हो भाई नई टीम हायर करूंगा तुमसे आधी सैलरी में लोग आएंगे करिए सर आप खुशी से करिए ठीक है कोई बात नहीं यार वैसे भी कौन सा बहुत टाइम है मेरे पास तो मैं सिखा दूंगा आप सिखाइए मैं कैमरा भी सिखा दूंगा मैं एडिटिंग भी सिखा दूंगा हर चीज में लगा दूंगा ठीक है क्योंकि मुझे हर चीज मुझे आती है इसको फोन कर रहा है कौन है मैंने देखना बात है
यहाँ पे तुम बात करोगे फोन पे अब? नहीं बोल तो मैं मीटिंग में ले रहा हूँ ना यहाँ पे। ठीक है एक मिनट मुझे पेन तमीज नाम की चीज ही नहीं है बंदा यहाँ पे बता रहा कुछ वहां पे तुम फोन पे लगे पड़े हो। आप भी तो बताओ ना आपने तो सोचा दो मिनट करने से पहले ये बताओ अपने इनके लिए सोचा इसके लिए सोचा इतने टाइम से आपके साथ काम कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है मैं कर रहा हूँ इसी के लिए बस सोची तुम्हें अपना नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी। आप एक बार या तो फिर अपने एक तरफे वाली बात हो रही है जो मैनेज कर सकता है वो बताओ निकलने वाली है बात जो है भैया अगर आप ये समझो ना मतलब कि सिलेक्शन जिसको जाना है बताओ जिसको नहीं जाना वो बताओ वो रुक रहे हैं रुक रहा है बहस नहीं मुझे रुकना है। हाँ या ना इस तरीके से तो नहीं रुक पाऊंगा हाथ खड़े कर लो मैंने जॉनी करना है कैमरा भी करोगे बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हर्ष प्रोत्साहन दीजिए तो मतलब यहाँ पे पांच लोग जाने वाले हैं और एक बंदा रुकेगा ऋतिक आप प्रोत्साहन दीजिए कल को ये भी देखिएगा कल बाहर भी पिया को तो क्या बोलेगा करने वाले उनके पेटों में जब दाग पड़ती है आप लोग सर मैं थोड़ी सबको बोल रहा हूँ जाने के लिए बात यह है ना आप कर रहे हो मैनेज तो सबको करेंगे आगे कंपनी भी वही चीज सोचेगी कि हाँ हमें अगर एक बंदा अगर 5000 में कोई काम करके दे देगा ना तो 5000 का ही फिर उसका वो रह जाएगा कि आप ये 5000 में हो जाएगी। अब मैं तुम्हारी यहाँ पे बहस सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ साहिर कोई बात नहीं हम जा रहे हैं इसको रखना आपको रखो ये आपकी पूरी कंपनी संभालेगा सर ये कैमरा भी यही करेगा एडिटिंग भी आपकी कंपनी की यही करेगा सारे काम यही करेगा करो काम अपने हिसाब से मैं करता हूं जल्दी बाहर निकल टाइम है हां ठीक है सर बहुत जल्दी ओके चाहे गुड मॉर्निंग टेक द कंपनी स्टार्ट कर दे लिंक आ दे तुम्हारा देख चलो बस आगे ये सोचना आगे जो भी टीम आएगी तुम्हारे साथ बड़ा भैया चार्जर है क्या आपका उनके पेट के लिए सोच लेने एक बार अगर सोचा तो मेरी थाली नाम की चीज बाकी रहेगी तुम्हारे साथ साहिल पेट के जाएगा तू यहां से क्या कोई बात नहीं सर मैं कम से कम बदला ही सर ना गलत नहीं सर किसी का बोल सनी भैया वो गलत है सर वो गलत क्या वो कोई भी चलो काम पे लग जाओ आपका शायद मैसेज वो आया है पैसे ज्यादा भेज दिए अपने काट के भेज दीजिए कैश निकाल के वापस कर दे उसमें भी कैश निकाल के वापस कर दे ठीक है मैं इसको बोल दूंगा जॉनी को कैश तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग मैं इसको ट्रांसफर करवा दूँ आपको सर मैसेज आ जाएंगे हमारे पास सैलरी शायद पुराने अकॉर्डिंग ही वो ट्रांसफर हो गए बढ़ के नहीं आई है बढ़ हाँ मतलब वही जो डिसाइड हो गया उसके अकॉर्डिंग गलत ट्रांसफर कर दिया था पुरानी शीट की जगह सैलरी तो बढ़ के आई है चलो मैं जा रहा हूँ ऐसे कैश निकाल के वापस कर दो हाँ बाकी लोग कहाँ हैं बाहर है गाड़ी बुला क्यों बुला गलती हुई है पैसा तो दे रहा हूँ ना मैं आपको बोल रहा हूँ बुला तो बुला गलती से पैसे ज्यादा ट्रांसफर हो गया भाई तो एक काम करना सब यहाँ पे रहो गलती से सबकी सैलरी जो है एक्स्ट्रा चली गई है मतलब बढ़ के ही आ गई है शायद स्टेटमेंट में गलती हो गई होगी तो जितनी भी सैलरी बढ़ के आई है उसका 20% कैश विड्रॉ करके सबके सब अपने सैलरी के अकॉर्डिंग जितना बड़ा है मान लो किसी का 5000 बड़ा है तो 20% कितना होगा 1000 रुपये ठीक है सब 20% कॉन्ट्रीब्यूट करके मेरे लिए कल दारू लेकर आएंगे और इंक्रीमेंट का सेलिब्रेशन करेंगे कैमरा का है ये ठीक है अरे भाई मारो के हे बाबा तो बढ़ जा रही सैलरी क्यों मार रहे
अच्छा मैं छोड़ के नहीं। खैर यहाँ पे लिए पता लग गया लॉयल कितने बंदे यहाँ पे हैं। गलत किसी का बर्दाश्त नहीं सर। हाँ गलत किसी का बर्दाश्त नहीं। अबे अब तो खुश हो जाओ बहन चोद। लॉयल वाली बात अलग है। टेंशन नहीं करो नहीं बोलूंगा कैमरा लगा हुआ है दोबारा प्रेम कर नहीं पाऊंगा इसलिए सब्सक्राइब भी कर लो चैनल मेरा THF Unlimited Vlogs। बाय बाय।